आप देख रहे हैं ICN News। अधिक जानकारी के लिए हमारे Facebook पेज को लाइक करें। यदि आप YouTube पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप Instagram पर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, क्योंकि यह है सत्य सटीक विश्वसनीय। नमस्कार, ICN न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ललित मुकाती आपके साथ। कोरोना महामारी के चलते हुए जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं स्वास्थ्य महकमा भी निरंतर 24 घंटे अपनी सेवाएं देने में लगा हुआ है। आज ICN न्यूज की टीम ने छावर सिविल अस्पताल का भ्रमण कर मरीजों एवं परिजनों से चर्चा की। इस दौरान कुछ समस्याओं के साथ परिजन संतुष्ट भी नजर आए। स्वास्थ्य मामले में विगत कई वर्षों से नंबर वन रहने वाला छावर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस वक्त पूरी तरह कोविड सेंटर में बदल चुका है। इसमें कई सारे मरीज निरंतर भर्ती हैं और सैकड़ों मरीज स्वास्थ्य लाभ लेकर अपने घरों को पहुंच चुके हैं। कुछ मरीजों को बेडशीट चेंज ना होने की समस्या भी शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन BMO छावर के द्वारा दिया गया है। मरीजों, परिजनों एवं नगर वासियों के द्वारा लगातार एक ही मांग की जा रही है, छावर सिविल अस्पताल में अतिशीघ्र डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि संकट के समय में डॉक्टरों की कमी देखी गई है। छावर अस्पताल के पास अपना पुराना भवन है जिसमें कक्षों की संख्या भी सीमित है। नए भवन के साथ साथ आधुनिक संसाधनों की आवश्यकता भी छावर अस्पताल को हाल ही में कोविड संकट को देखते हुए विधायक छावर द्वारा प्रदान की गई, जिसमें 12 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, डिजिटल एक्सरे मशीन सहित कई अन्य संसाधन विधायक निधि से उपलब्ध कराए गए। ICN न्यूज़ की टीम स्वास्थ्य सेवा में लगे सभी सेवा कर्मियों, डॉक्टर्स का अभिनंदन करती है। साथ ही साथ अपील भी करती है कि संकट की इस घड़ी में सहयोगी स्टाफ भी विनम्रता के साथ परिजनों से भी संवेदनशील रहें। आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जब नर्सिंग स्टाफ सिस्टर से बात की गई तो उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या सुविधाओं में सुधार हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, ICN न्यूज। और पूरा मेंटेनेंस देखना है, पूरे मशीनें देखना है। नहीं, लेकिन कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी कि बेडशीट वगैरह टाइम से चेंज नहीं हो रही। नहीं नहीं, वो मैं तो बीमार थी, छुट्टी पे थी ना। अच्छा। तो धोबी को मैंने जैसे ही फोन लगाया तो हर तीसरे दिन बेडशीट ला रहा है। अच्छा, हर तीन दिनों का। मैं बीमार थी, मेरे बीमार होने के कारण थोड़ा सा मैनेजमेंट, क्योंकि इतनी सारी चीजें दूसरे लोग नहीं देख पा रहे थे, फिर जब मैं आई हूँ तो कंटिन्यू बेडशीट आ रही है और चेंज भी हो रही है। सर, और मैंने डिमांड की है डिस्पोजेबल बेडशीट की। आपका कोई सवाल? आपको किसने बोला? व्यवस्थाओं को लेकर कोई कमी तो नहीं है? हाँ नहीं, अभी तो नहीं है हमारे पास डिस्पोजेबल बेडशीट नहीं है, वो हमने डिमांड की है CMO सर को। बाकी मशीनों की पूरी व्यवस्था करवा दी, मेडिसिन भी अभी आ रहा है, NS जो है वो अभी जा रही है मोनिका लेने, अब देखो वहाँ से क्या मिलता है। सैनिटाइजेशन हो रहा है प्रॉपरली? सैनिटाइजेशन हो रहा है, सैनिटाइजर भी अपन दे रहे हैं, हैंड वॉश भी अपन दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। सब लोग क्या उचित व्यवस्था है कर रहे हैं, चल रहा है? जैसा आप तो यहाँ से निकाल देते हैं स्टोर से, नहीं क्या स्टाफ उन चीज़ों को प्रॉपरली यूज़ कर रहा है? मैं स्टोर से देती हूँ, प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं। मैं बंद रखती हूँ स्टोर रूम में, कोई नहीं जाता है। जो भी चीज़ें आती है, सामान आता है, अपन रिसीव करते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसी भी स्टाफ को अभी तक हैंड वॉश या सैनिटाइजर वगैरह बराबर दे रहे हैं अपन। पेशेंट को किसी प्रकार की कोई शिकायत? पेशेंट को थोड़ा सा बेडशीट कमी आई थी, बेडशीट की तो मैंने बताया मेरे बीमार होने से। अभी धोबी आ रहा है, लेके जा रहा है, हर तीसरे दिन चौथे दिन ला के दे रहा है धोके ब्लीचिंग से। और मैंने सर को ये एडवाइस करा है, सर डिस्पोजेबल वाली मंगवा लीजिए। स्टाफ की तरफ से असुविधा तो नहीं है किसी की? ठीक है, स्टाफ भी आ गया, वो काफ़ी सफिशिएंट स्टाफ आ गया तीनों शिफ्ट में। नहीं, स्टाफ से जैसे व्यवहारिकता में मरीज के साथ क्या स्थिति है कोविड वाली? अभी तो ठीक है, जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ, सबके अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए मैंने और सबको काम अलग अलग बताया है और ये बता दिया है, वहाँ पे एक मैंने आदेश चिपका दिया है। नहीं, इनकेस अगर किसी कस्टमर, किसी पेशेंट से हमें कोई कंप्लेंट मिलती है इस टाइप की, तो उस संबंध में मतलब आपने क्या सुधार किया ये पूछना चाह रहे हैं? उसमें जैसे ये लोग, जैसे किसी पेशेंट ने बुलाया बोतल निकाल दो, तो हमको इमीडिएट जाना है, वहाँ मैंने आदेश चिपका दिया है। BMO सर ने खुद चिपकवाया है आदेश की तुरंत सुन के तुरंत पेशेंट के पास जा रहा है, चाहे 10 बार निकालना पड़े आपको। नहीं, जैसे कुछ असुविधाएं देखी गई थी कि जैसे पेशेंट से बदतमीजी से बात करना, बात अभी थोड़ा ये जब से चिपकाया है ना, सबको सुधार कर दिया है, इस चीज़ में सुधार कर दिया गया मेरे आते ही, कि मरीज से आपको बहुत प्रेम से बोलना है, वो तो बेचारा वैसे ही दुखी है, इसलिए मरीज की बात सुनो। मैं तो रात को भी 11 बजे आ रही हूँ। चलो, हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल सब सही होगा और आप भी ध्यान रखें इस चीज़ का। हाँ।
नमस्कार, आप देख रहे हैं ICN न्यूज़। फ़िलहाल हम सिविल हॉस्पिटल इछावर में मौजूद हैं और अभी हमने जायज़ा लिया था कोविड पेशेंट्स का, और अभी BMO सर से हम जानकारी ले रहे हैं इस विषय में कि क्या कुछ सुविधाएं मुहैया यहां पर कराई गई हैं और क्या कुछ सुविधाएं पेशेंट्स को मिल रही है। सर, पहला सवाल आपसे ये था कि कोविड के लगभग सारे पेशेंट जहाँ पर दिख रहे हैं, मैक्सिमम पेशेंट कोविड के हैं, तो उस संबंध में कुछ सुविधाएं भी यहाँ पे प्राप्त हुई हैं विधायक जी की तरफ से, और बाकी तो उस संदर्भ में हम पूछना चाह रहे हैं कि किस तरीके से उनकी केयर की जा रही है और रिकवरी रेट क्या है। इछावर का जो सिविल अस्पताल है अब पूरी तरीके से कोविड डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में परिवर्तित हो चुका है। कोविड के अलावा डिलीवरी केस यहाँ पर भर्ती हैं, इसके अतिरिक्त तो और कोई मरीज भर्ती नहीं है। वर्तमान में भी लगभग 30 मरीज कोविड के यहाँ पर एडमिट हैं, जिसमें से 10 लोगों को 10 पेशेंट ऑक्सीजन पर हैं, 3 पेशेंट क्रिटिकल हैं, और पेशेंटों को भर्ती करके पूरी सुविधा दी जा रही है। उनको ऑक्सीजन की यहाँ पूरा इंतज़ाम है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो कोविड का प्रोटोकॉल है, जिस प्रोटोकॉल से उनका इलाज होना चाहिए उसी तरीके से उनका इलाज हो रहा है। दिन में 4 बार चिकित्सक द्वारा उनका राउंड लिया जाता है, अंदर जाकर सिस्टरों द्वारा उनके 4 बार जो है SpO2, उनकी पल्स, उनका टेम्परेचर, उनकी शुगर की जांच की जाती है, क्योंकि कोविड में देखा गया है कि इलाज के दौरान शुगर भी बढ़ जाती है। तो प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी मॉनिटरिंग हो रही है और पेशेंट को रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। काफ़ी संख्या में पेशेंट भर्ती भी हैं और ठीक भी हो रहे हैं। लगभग प्रतिदिन 3 से 4 मरीजों की छुट्टी भी हो रही है और इछावर क्षेत्र में अभी इस अस्पताल में सर्वाधिक पेशेंट आ रहे हैं। उसके अलावा ये है कि पेशेंट जो है कोविड को लेकर पैनिक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि मानसिक रूप से पेशेंट ज़्यादा परेशान है, तो उस विषय में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, कैसे टेकल करें इस समस्या को? हालांकि इसका मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अभी जो देखने में मेरे आ रहा है क्षेत्र में, कि ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज खास तौर से ज़्यादा घबरा रहे हैं और वो इधर उधर जाके इलाज करा रहे हैं, या तो फर्जी चिकित्सकों से या झोला छाप डॉक्टरों से या फर्जी अस्पतालों में जाके भर्ती हो जाते हैं और फिर उनका ठीक से इलाज नहीं हो पाता और गंभीर अवस्था में पहुँच रहे हैं। ऐसे में पेशेंट भी इस अस्पताल में आ रहे हैं, तो मेरा सभी लोगों से ये कहना है कि घबराएं नहीं, सरकारी अस्पताल में ज़रूर आएं। कोविड की जांच कराने से बिल्कुल ना डरें। अगर जांच कर से ये पता चल जाता है कि आपको कोविड है तो उसका जल्दी इलाज हो जाता है। अगर ये बीमारी को शुरुआत में इलाज हो जाए तो पूरी तरीके से ठीक होने की संभावना पूरी रहती है, लेकिन अगर वही बीमारी की जाँच ना कराएँ, डरते रहें कि कोविड की जाँच हो जाएगी अस्पताल में, तो पेशेंट गंभीर अवस्था में आते हैं और फिर उनको समस्या आती है, ये सबसे बड़ी परेशानी। हालांकि फर्जी चिकित्सक और जो फील्ड में चिकित्सक हैं, इनकी भी हमने एक बैठक रखी है SDM साहब के नेतृत्व में, और इनको समझाइश दी जा रही है कि अनावश्यक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज का उपचार ना कराएं। जिनको कोविड के लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको सरकारी अस्पतालों में भेजें। दूसरा ये था कि लगभग सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, लेकिन कुछ थोड़ी सी माइनर सी कमी देखी गई है कि पेशेंट का ये कहना है कि लगभग अभी पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा बेडशीट बदलने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बेडशीट का हमने जो है अपने डिस्पोजेबल बेडशीट की मांग की है, ताकि पेशेंटों को जैसे ही दो डिस्पोजेबल बेडशीट इसमें दी जाती है, अभी हमारे पास वर्तमान में उसकी कमी ज़रूर है डिस्पोजेबल की, लेकिन जो बेडशीट अपने पास है उन्हीं को हम जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको धुलवा कर और वो बदल रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि तुरंत हमें बेडशीट अधिक संख्या में मिल जाए, लेकिन चूंकि शॉर्टेज चल रही है, मैंने खुद भी भोपाल में इसका पता किया है, तो जल्दी जल्दी हमें डिस्पोजेबल बेडशीट जैसे ही प्राप्त होंगी तो फिर ये समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। और सैनिटाइजेशन लगभग प्रॉपरली किया जा रहा है अस्पताल का? तो इस अस्पताल को तो वैसे ही क्वालिटी के नाम्स में चल रहा है, पहले कोविड के पहले से ही हमें पहला पुरस्कार मिला हुआ है, तो सैनिटाइजेशन, सफाई, इन्फेक्शन कंट्रोल, बायोमेडिकल वेस्ट, इसमें तो पहले से ही अच्छा काम है और वो चीज़ें तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं और हो रही हैं। आप देख रहे हैं ICN ब्यूरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ICN न्यूज़। अधिक जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सत्य सटीक विश्वसनीय।